मैं सिर्फ चाहने के लिए बोला था, फिर भी दिल से किसी का हाथ ऊपर नहीं उठा, थोड़ा बहुत लोगों का उठा। थोड़ा सोचिए ना, अभी खुद से पूछिए, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, चाहेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे भाई? अब चाहते नहीं है इसलिए पाते भी नहीं। बैठिए, चाहते नहीं है इसलिए पाते भी नहीं हो। एक बात बताइए, आज तक जिंदगी में जो भी आपको हासिल हुआ, ना चाहते हुए कुछ हासिल हुआ है? जोर से बोलिए, हासिल हुआ है क्या? होगा भी नहीं, होगा भी नहीं, चाहना तो पड़ेगा। जो जहर खा के सुसाइड करके मरता है ना, मैडम वो पहले बैठे हैं, सामने भेज दीजिए, सामने खाली है कुर्सी, आ जाओ। हाँ, इधर मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो। मैडम बोल के बोल दिया ना, देखना तो पड़ेगा। ओके प्लीज, जो जहर खा के मरता है ना, सुसाइड करता है ना, वो भी जहर खाना चाहता है तभी मरता है। अगर मरने के लिए चाहना पड़ता है तो कमाने के लिए चाहना नहीं पड़ेगा क्या? उसमें भी कंजूसी कर रहे हो आप लोग, आपका कॉन्शियस माइंड आपको परमिशन नहीं दे रहा है कि 52 दिन में 100 पॉलिसी करने के लिए। आपका कॉन्शियस माइंड क्या लॉजिक दिया होगा, अरे 52 दिन में 100 पॉलिसी, यह असंभव है। ये बोलने के लिए बात है, ये बोलने की बात है, करने का बात तो नहीं है। सही बोला कि गलत बोला? हेलो सही, फिर मुंडी हिला, सही बोला कि गलत बोला? सही है ना। एक बात बताइए, आज से आने वाला 52 दिन में LIC में 100 पॉलिसी करने वाला एजेंट है कि नहीं? हेलो है कि नहीं? है ना। और MDRT पूरा करने वाला एजेंट LIC में है कि नहीं? अगर है तो ये संभव है, तो है मतलब। अच्छा, जो भी करेगा उसका रावण जैसा 10 हाथ रहेगा क्या? ऑक्टोपस जैसा 4-5 हाथ पैर ऐसा रहेगा क्या? उसके पास जो भी है आपके पास भी वही है। फर्क क्या मालूम है? उसका कॉन्शियस कन्विंस है, आपका कॉन्शियस सीधा। सही बात, सीधा और कुछ भी नहीं। और मैं ये गारंटी देता हूं, आज आप लोगों को 4 स्टेप देके जाऊंगा, 4 स्टेप दूंगा और गारंटी भी दूंगा, ये 4 स्टेप के ऊपर, 4 स्टेप के ऊपर अगर 52 दिन तक दिल से, कहां से? दिल से आप इंप्लीमेंट करेंगे, आप गारंटेड MDRT बनेंगे, गारंटेड 100 पॉलिसी होगा, और MDRT बनने के बाद आपको क्या मिलेगा आप जानते हो, सही कि नहीं? और उसका बाद में एक बात और बताता हूं, अगले साल से आप रेगुलर MDRT COT TOT बनने का आदत आपका आ जाएगा, ये गारंटी है। ये 4 स्टेप मैं दूंगा, उसके ऊपर अमल करेंगे आप लोग? कहां से? दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से। कितने लोग अमल नहीं कर पाएंगे, हाथ ऊपर करो। चलो चलो, नहीं नहीं, सब समझते हैं। क्योंकि सुनना और समझना दोनों के बीच में अंतर है, है कि नहीं? बीच बीच में टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि सबसे बुद्धिमान प्राणी है। एक बार क्या हुआ, एक क्लास में मास्टर जी आए, मास्टर जी आकर पूछा बच्चे लोग को, बोलो बच्चों सत्य और भ्रम के बीच में क्या फर्क है? एक बच्चा ने हाथ ऊपर किया, मास्टर ने बोला खड़े हो जाओ बेटा, खड़ा हो गया। मास्टर ने पूछा बोलो क्या फर्क है? वो जवाब दिया, सारा बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं ये सत्य है। आप बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं सत्य है, अगर आप सोचते कि आप जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, ये आपका भ्रम है। तो बीच बीच में देखना पड़ता है ना, कहीं मैं भ्रम में तो नहीं हूं। तो मैं आज आपको ये रास्ता भी बताऊंगा, आप कॉन्शियस को कैसे कंट्रोल करो वो भी बताऊंगा। और मैं कैसे LIC में आया, मैं आपको सुबह बोला था मैं बिल्कुल आना नहीं चाहता था।